देखें आया, इधर देखें, इधर देखें। कौन है? मंकी है? मंकी को पकड़ो। नहीं नहीं, हैंड शेक करो। पकड़ लेगा। अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है, हम जा रहे हैं नथिया गली। वहाँ का कैसा मौसम है में साथ साथ व्यू दिखाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे व्यू आते हैं रास्ते में। वीडियो पूरी देखनी है तो चलते हैं आज के नए व्लॉग की तरफ। लेट्स सी द न्यू व्लॉग। आज वीकेंड है, वीकेंड में बहुत ज़्यादा रश होता है गाड़ियों का और आवाम का, तो बाकी साथ साथ दिखाएंगे आपको। ये देखिए, अभी एक और कोस्टर आके खड़ी हुई यहाँ पे। अभी जी रास्ते का मौसम इतना खूबसूरत है, तो आगे जाके नथिया गली में क्या होगा वो अभी साथ साथ आपको जरूर दिखाएंगे। ये भी हम आ गए हैं जी। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। नथिया गली का भी रोड थोड़ा डेंजरस है, तो यहाँ का अच्छा खासा डेंजरस है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। जाते वक्त तो सारी चढ़ाई है और वापसी पे आते वक्त हमें अभी चढ़ाई है यहाँ पे, लेकिन आगे जाके उतराई भी होगी, उसके बाद फिर चढ़ाई है। हम जा रहे थे नथिया गली, तो रास्ते में हमने छांगला गली पे स्टे किया अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है, व्यू आपको मैं भी दिखाऊंगा अभी साथ साथ। और भला करे आपका छांगला गली, तो अभी मैं यहाँ से आपको एक व्यू दिखाऊंगा। हाय, ये नहीं हाय करो। ये एक आयजा को दे, आयजा को दें एक। आयजा सर पे पहनो बेटा, सर पे पहनो। ये हाँ, ये देखें, लुक एट मी, कह रही है रेड वाला अच्छा लग रहा था। इसमें मल्टी कलर्स है ना, वो भी रेड है, वो भी ठीक है। चाय आ गई है, चाय के साथ साथ पकोड़े भी हैं यहाँ पे। पकोड़े यहाँ पे महंगे हैं। ये प्लेट है और सिर्फ कितने की, 300। ये हैं जी छांगला गली के पकोड़े और चाय। गली आपकी हाईएस्ट पीक पे है। पकोड़े बाकी बहुत मज़े के पकोड़े हैं यहाँ के छांगला गली के, और टेस्ट बहुत अच्छा है पकौड़ों का। अच्छा, नाया का गर्मा गर्म पकौड़े हैं और सही जबरदस्त किस्म का इसमें टेस्ट। ये तो यादगार है। ये इब्राहिम करने लगा है जी, देना पिक्चर किसी गाड़ी वाले को मार दे, शूट करेगा जोर से। खींचना नहीं है, बिठा जो इब्राहिम। चला जी, चले 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 चले। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। वन मोर, ये तो रखो, ये तो अभी दबाना नहीं, खींचना नहीं है, ये इसको खुद करने दो। उंगलियां रखनी है, दो उंगलियां। चलो देखो आगे, देखो। ओ वेरी गुड इब्राहिम, कर लिया। छांगला गली से हम निकल आए हैं, अभी हम जा रहे हैं नथिया गली की तरफ। जितनी हम हाइट पे चढ़ाई चढ़ गए थे उतना ही वापसी पे आपको। कश्मीर व्यू पॉइंट, कश्मीर व्यू पॉइंट है, और सामने वो आपको जो नज़र आ रहा है, वो वाले पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जी वहाँ के मुजफ्फराबाद के जो नीचे जलान है, और उसकी जो पार आपको धुंध में नज़र आएगी। देखिए मंकी, देखे कितने ज़्यादा मंकी, गाड़ियों में भी, गाड़ियों के अंदर भी, बाहर भी। ये नाया तो देखे आप, नाया सो के उठिए भैया, नाया के बाल देखो कैसे हो। ये देखे नाया, इधर देखे। कौन है? मंकी है, मंकी है। पकड़ लो, पकड़ लो मंकी को, पकड़ो। हैंड चेक करो, हैंड चेक करो। पकड़ लेगा। मैंने छल्ली वहां से ली थी, देखना फौरन इस साइड पे आया गाड़ी के। ये लो, नहीं
सलमान आराम से खाओ, क्या हो गया? वो देखो कितना नया। अभी हम पहुंच गए हैं नथिया गली को भी, हमने सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाना है, वहां से पेट्रोल डलवाएंगे तो उसके बाद फिर आप दोबारा ऊपर जाएंगे नथिया गली के जो पार्क है, नथिया गली से पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। ये है जी कालाबाग एयरबेस। ये है जी नथिया गली का पार्क। जिप लाइन में बच्चे यहाँ से जाते हैं, वो सामने लास्ट वहाँ करता है स्टॉप है, वहाँ से बच्चे को उतारते हैं तो नेक्स्ट बच्चे की तब बारी आती है। ये देखें जी नथिया गली से वापसी पे, अभी इतना जाते दफा इतना कोई खास मंजर नहीं था और धूप थी, अब देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, जितने भी पहाड़ है सारे बादलों से कवर हुए हैं माशाल्लाह। नथिया गली से वापस आ गए माल रोड पे आ गए और माल रोड से अभी हम यहाँ से खाना खाएंगे इंशाल्लाह। खाना खाने के बाद थोड़ा सा माल रोड का एक दफ़ा फिर से व्यू दिखाएंगे आपको। माल रोड पे असल ठंड है और हवा भी चल रही है ठंडी और बहुत ज़्यादा रश भी है यहाँ पे आज, क्योंकि आज सैटरडे है और रश आज की कल की निस्बत आज ज़्यादा रश है। जी अभी हम आए हैं क्योंकि हम गए थे नथिया गली, अभी वापस आए हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो खाने का मूड, मेरा तो खाने का मूड था लेकिन घर वालों का साथ में खाने का मूड नहीं था कुछ खाना रोटी वगैरह, लेकिन ये कह रहे थे हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो अभी हम आए ग्रिल पिज़्ज़ा पे और अभी पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया है। ये भी आयजा नहीं रही, आपने क्या लिया दिखाओ मुझे। ये जी इसको गाड़ी लेनी पड़ती है यहाँ से, हर दफा में गाड़ी लेनी होती है आपने। आप ही के लिए एलिफेंट पसंद, ये वाला ये आयजा के लिए। बड़ी बदमाशी यहाँ पे चलती है यहाँ पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ के इंतजामिया को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए ताकि आए हुए मेहमान टूरिस्ट अपना बजट लेके आते हैं, ये नहीं कि आप लोग जितना दिल चाहे लूटना शुरू कर दें। तो तीसरी चीज़ 100 मिल गई भी है, 2-3 घंटे की पार्किंग में 500 रुपये पार्किंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 250 कर लें, लेकिन इतनी भी क्या मदद नहीं आई हुई आपको तो यार आप 500 पार्किंग लें। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला है, ना कोई लेगा एक्शन, पर आज का ब्लॉग हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।